नमस्कार दोस्तों, मैं रवि ठाकुर, आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको कैसे EWS सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन बनाना है अपने घर बैठे अपने लैपटॉप या दोस्तों मोबाइल के थ्रू। EWS सर्टिफिकेट होता क्या है? EWS सर्टिफिकेट की मदद से आप किसी भी सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण ले सकते हैं। EWS बनाने के लिए व्यक्ति के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कौन कौन व्यक्ति जो है EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर दोस्तों आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जो है EWS सर्टिफिकेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में केवल आपको बताऊँगा कि आपको जो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सभी दोस्तों जो स्टेट हैं उनमें जो है ये सर्विस ऑनलाइन वाली सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है, तो आपको चेक कर लेना है आपके जो स्टेट में ये सर्विस चल रही है ना चल रही। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है। अगर दोस्तों आप जो है बिहार से हैं तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों वेबसाइट दे सकते हैं। यहाँ से जो है EWS सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का दोस्तों लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों डायरेक्ट जो है इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने हो जाएगी कुछ इस तरह की डिस्प्ले। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना नाम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, और उसके बाद दोस्तों आपको एक पासवर्ड दे देना है। नीचे दे सकते हैं आपको स्टेट जहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपके बाद जो है नीचे दे सकते हैं यहाँ पर एक कैप्चा रहा, इसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको जो वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, और वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल और ईमेल एड्रेस पर जो OTP आएंगे उनको आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है लॉगिन होना है अपने अकाउंट में, तो लॉगिन होने के लिए यहाँ पर दे सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो अपना जो है ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी दोस्तों आपने आईडी बनाई है, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपके फ़ोन पे या दोस्तों ईमेल जो आपने डाला उस पर जो है OTP आएगा, OTP डाल देना है। नीचे दोस्तों दे सकते हैं कैप्चा रहा, इसको आपको फिल कर देना है। लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना, आप जो अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की डिस्प्ले आ जाएगी। यहाँ पर आप दे सकते हैं ये दोस्तों गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑनलाइन जो है सर्विस प्रोवाइड कराती है। वेबसाइट का नाम दे सकते हैं ऊपर serviceonline.gov.in, इस वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट भी आ सकते हैं और यहाँ से जो है सारे सर्टिफिकेट अपने बनवा सकते हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और भी दोस्तों जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं वो यहां से आप जो बनवा सकते हैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करके। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर, आपको क्लिक कर देना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हो जाएगी कुछ इस तरह की डिस्प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर अपनी आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपके स्टेट में कौन कौन सी सर्विस जो है ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर अभी जो है ऑल सेलेक्ट है, इसका मतलब ये वेबसाइट जो है जितनी भी सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करा रही है हर स्टेट में वो सभी यहाँ पर सर्विस जो है शो हो रही होंगी। तो लेकिन आपको जो अपने स्टेट में देखना है कि आपके स्टेट में कौन कौन सी जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको जो अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट के दोस्तों, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी स्टेट में जो है EWS सर्टिफिकेट बनाने की ऑनलाइन जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही, तो यहां पर आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं बिहार यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि दोस्तों बिहार में जो है अभी EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने की सर्विस जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर व्यू पर जो है मैंने बिहार को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर्च पर, सर्च पे दोस्तों मैंने लिख दिया EWS, तो यहाँ पर आप EWS लिखेंगे, इकोनॉमी लिखेंगे दोस्तों तब भी यहाँ पर जो है आ जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है EWS बनाने के लिए ऑप्शन आ चुके हैं, कौन से लेवल का दोस्तों आपको बनाना है, CO लेवल का या SDO लेवल का, तो आप जो अपनी मर्जी से किसी लेवल का जो है किसी भी लेवल का जो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, दोनों ही दोस्तों मान्य होंगे और दोनों ही सर्टिफिकेट जो है हर गवर्नमेंट जॉब में आपको 10% आरक्षण दिलाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं CO लेवल पर वाले पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन आ जाएगा। इस फॉर्म को जो है दोस्तों आपको बड़ी सावधानी पूर्वक सही सही भर लेना है। तो ऊपर दोस्तों दे सकते हैं सबसे पहले आपको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो है अपने आवेदक का नाम डाल देना, मतलब दोस्तों अपना नाम डाल देना, और जैसे दोस्तों आप इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है हिंदी में इधर अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। इसके बाद आपको जो है अपना जो है स्थायी पता यहाँ पर देना है,
आपका एड्रेस क्या है, राज्य कौन सा, जिला कौन सा, ये सभी चीज़ दोस्तों आपको अपना दे देना है। डिवीज़न आपको अपनी दे देना है, ब्लॉक दे देना है और दोस्तों पंचायत दे देना है। ये दोस्तों ज़रूरी नहीं यहाँ पर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद जो है ग्राम संख्या आपको देना है, वार्ड नंबर आपके पास है तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जो स्टार वाली दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, जो जिनमें आगे स्टार लगा हुआ वो चीज़ आपको जो है जहाँ पर जरूर प्रोवाइड करानी है, बाकी दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है। जिसमें दोस्तों स्टार है वो चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर डालना है। इसके बाद आपको थाना वगैरह, पिन कोड वगैरह और लास्ट में दोस्तों आपको मिल जाएगा जाति का, आप किस जाति के, ब्राह्मण है, ठाकुर है, राजपूत है, कुछ भी दोस्तों यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो अपने पिता का नाम, माता का नाम, अगर दोस्तों लड़की है तो अपने जो पति का नाम या फादर नेम यहाँ पर डाल सकती है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना जो है मोबाइल नंबर जरूर डालना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है और यहाँ पर आपको जो अपना एक फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो का साइज दोस्तों जो है 20 KB के ऊपर रहना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं दोस्तों, ज़्यादा छोटा भी नहीं, 20 KB से 40 KB के मध्य आपको जो है यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड कर देना है पासपोर्ट साइज का। इसके बाद दोस्तों जो परिवार की कुल इनकम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। परिवार की इनकम दोस्तों डालते समय आपको बता दूं, जो EWS सर्टिफिकेट है केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए जिनकी फैमिली की जो आय है वो सालाना 8 लाख से कम है, तो यहाँ पर आप जो अपनी परिवार की इनकम डाल सकते हैं, जो भी जो है आपके इनकम सर्टिफिकेट में लिखी हुई है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, एनुअल इनकम कितनी है। सभी चीज़ें भरने के बाद आपके पास एक जो है घोषणा पत्र आ जाएगा, सेल्फ क्लियरेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, नहीं तो दोस्तों यहाँ आई एग्री पे टिक मार देना और आगे दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों आपको मिल जाएगा एक कैप्चा, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है और फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जहाँ पर जो आवेदन हो जाएगा, आपने जो डिटेल भरी है वो आपके पास आ जाएगी दोबारा दोस्तों देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर आपको जो है एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा कुछ इस तरह का, और यहाँ पर आपको सभी जो है डिटेल आपने जो भरी है वो पूरी देख लेना है सही से, कुछ भी गलत है तो उसको जो है आप एडिट करके दोबारा सही कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप जो सबसे नीचे आएंगे तो आपको जो है अटैच यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अटैच का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कोई गलत है तो यहाँ पर आप जो है एडिट कर सकते हैं, एडिट करके उसे सही कर सकते हैं दोबारा से, और नहीं तो दोस्तों आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ पर आपको अटैच पर क्लिक कर देना है। अटैच पर क्लिक करना दोस्तों आपको जो है एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं इतने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना, आधार कार्ड हुआ, मनरेगा कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, इनमें से दोस्तों आपके पास कोई भी जो है डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए, और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपके सामने आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी जो भी दोस्तों आपने भरी है, और लास्ट में आपको मिल जाएगा फाइनल सबमिट का ऑप्शन। आपने पूरी डिटेल चेक कर ली तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस फाइनल सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो है आपका यहाँ पर जो है आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा EWS सर्टिफिकेट के लिए। आपको इसके बाद करना क्या है, आपको उसका जो प्रिंट ले लेना है, आपको जो है एक रसीद टाइप की मिल जाएगी प्रूफ के तौर पर कि आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है EWS सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको जो है उसका प्रिंट ले लेना है। उसके बाद जो है प्रिंट लेने के बाद आपको जो जाना है, आपको जो अपने ब्लॉक या दोस्तों अंचल अधिकारी के पास जाना है, वहाँ पर दोस्तों जो है सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है, जो भी दोस्तों डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर लगाए हैं, जैसे दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट हुआ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, आधार कार्ड हुआ, ये सभी दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों जो अंचल अधिकारी वो आपके वेरीफाई करेगा, देखेगा उसे सही लगेगा दोस्तों जो वेरीफाई कर देगा, और वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट बन जाएगा। आप यहाँ पर दोस्तों अपने सर्टिफिकेट को जो है ऑनलाइन ट्रेस भी कर सकते हैं, उसका स्टेटस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों देख सकते हैं आप अपने अकाउंट में, इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस दिखाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रेजेंट टाइम में किस कंडीशन में है, क्या दोस्तों उस पर प्रोसेस चल रही है, अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, ये सभी चीज़ दोस्तों आपको दिखाएगा यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में। इस तरह से दोस्तों आप जो EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल या दोस्तों लैपटॉप के थ्रू। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सर्विस दोस्तों जो है सभी स्टेट में लागू नहीं हुई है, सभी दोस्तों जो स्टेट हैं वो EWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो है प्रोवाइड नहीं करा रही हैं, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है व्यू पर क्लिक करके कि आपके जो राज्य में कौन कौन सी सर्विस जो है ऑनलाइन चल रही हैं, तभी दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई करें। बिहार में फिलहाल दोस्तों ये ऑनलाइन सर्विस चल रही, तो बिहार वाले जितने भी दोस्तों लोग देख रहे हैं वो जो है EWS सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही साथ दोस्तों आगे भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।